नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पूरे मध्य प्रदेश में हेलमेट कंपलसरी हो गया है। पेट्रोल पंप में सख्त हिदायत दी गई है कि बिना हेलमेट के आपको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। कल अफरा तफरी का माहौल रहा। इसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि या तो पहले एक टाइम फ्रेम लेके उतनी जागरूकता रखनी थी, लेकिन अब जब असुविधा हुई लोगों ने भागदौड़ शुरू की और हेलमेट पहनना शुरू किया। पेट्रोल पंप में भी बाकायदे नोटिस है कि आप अगर हेलमेट पहन के नहीं आते हैं तो आपको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। पूरी कवायद है, मैंने हेलमेट इसलिए लगा रखा है ताकि आप तक एक मैसेज जाए कि देखिए बिना हेलमेट के अब गुजारा नहीं हो पाएगा, आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। जगह जगह चेकिंग लगाई जा रही है और हिदायत दी जा रही है कि अब आप हेलमेट पहनिए सुरक्षा के लिए, क्योंकि हाईकोर्ट ने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे होंगे, हेलमेट नहीं पहन के रखे होंगे। पेट्रोल दे तो नहीं रहे आप? नहीं सर, किसी को भी नहीं? नहीं सर। क्या हिदायत क्या दी गई है सरकार की ओर से कि अगर हेलमेट नहीं है तो पेट्रोल नहीं देना? पेट्रोल नहीं मिलेगा, कलेक्टर साहब से आदेश है। हाँ। उसका पालन हम लोग कर रहे हैं। और ये भी कई बार कहा जाता है, कुछ जगह ये शिकायतें आई थी कल की पेट्रोल पंप के थोड़ा सा दूर जाके हेलमेट की व्यवस्था पेट्रोल पंप वालों ने कर दी, आप हेलमेट पहन के आई और पेट्रोल ले लिया। हमारे पेट्रोल पंप में ऐसा नहीं है सर, बाहर जाके कस्टमर से एक्सचेंज करते हैं और अपन को इतना टाइम नहीं कौन एक्सचेंज कर रहा कौन नहीं कर रहा। हम यहाँ पे पेट्रोल पंप में मतलब अगर हेलमेट देके सिर पे तेल डाल डालते हैं और पंप के अंदर एक्सचेंज भी नहीं करने देते, बाहर कर देते हैं। एक चीज़ बताइए, कल से आज तक में अंदाज लगाइए कितने लोग ऐसे आए होंगे जो बिना हेलमेट के आए होंगे? कम से कम हज़ारों पब्लिक सर। हाँ। मतलब कल की अपेक्षा आज जो है तो हेलमेट ज़्यादातर आ रहे हैं, कल तो बहुत ही कम आ रहे थे, लेकिन लोगों की सोच अब जो है तो बदल गई है। हेलमेट चालू हो गए, फिर भी उसमें करीब 30% व्यक्ति हेलमेट नहीं लगा के भी आ रहे हैं। बड़ी बात है, यहाँ पे बोर्ड भी इन्होंने लगाया है और ये नो हेलमेट नो पेट्रोल, अगर हेलमेट नहीं है तो आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। ये कवायद अच्छी है, सरकारी पहल है, लेकिन कंटिन्यूटी में चलना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ कुछ यूज़र हैं। सर, पेट्रोल लेने आए हैं और हेलमेट आप रेगुलर लगाते हैं? रेगुलर लगाते हैं। हाँ। सरकार ने अब जो मुहिम शुरू की है हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद, क्या मानते हैं इससे कितना लोग हेलमेट का यूज़ कर पाएंगे अगर चेकिंग लगाते रहे लगातार तो, पेट्रोल पंप में कंपलसरी रहा तो? नहीं समझ पाए, हम उधर ध्यान दे रहे थे क्या आपको? मतलब अगर सरकार ये कवायद लगातार करती है और फिर थोड़े टाइम फ्रेम में रोक देती है तो क्या लोग हेलमेट लगाएंगे, आपको क्या लगता है? जब हैबिट में आ जाएगा तब तो लगाएंगे ही। अब यदि ऐसे जो केवल पेट्रोल भराने की उसमें रहेगा तब तो यही रहता है कि लोग थोड़ा सा दे दीजिए हेलमेट, हम पेट्रोल भरा लें फिर वो करके। अच्छा। क्या पिछली बार यही देखे, हम तो हमेशा लगाते रहे तो लोग यही कि थोड़ा सा जब हम आगे बढ़ते थे तो थोड़ा दे दीजिए हम पेट्रोल भरा लें। अच्छा, मतलब ये आदत में लाना होगा जैसे मास्क को ले आए। जी 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 जी, बड़ी बात है जिस तरह की कवायद होती है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जिम्मेदारी सिर्फ एक सरकार की या हाईकोर्ट की नहीं है कि आपने थोड़े टाइम फ्रेम के लिए ऐसा कर दिया और उसके बाद चीज़ें रुक गई। हम सबको ये सोचना होगा कि इसको कंटिन्यूटी में कैसे इस्तेमाल मिला है। हमारे साथ एक यूज़र और हैं। हेलमेट आप रेगुलर लगा रहे हैं कि अभी बस जब सख्ती शुरू हुई तब? नहीं, पहले भी लगाते थे हम, मगर जब से सख्ती होती तब तो लगाना ही पड़ेगा शासन के, भाई बचना तो है अपने को। हाँ। अपने सुरक्षा भी है मेरी। हाँ। हेलमेट से काफ़ी सुरक्षा। अच्छा, अगर ये निरंतर चेकिंग और ये इतना कंपल्सन नहीं रहा, जैसे थोड़े टाइम बाद होता है कि चेकिंग चली कुछ दिन बाद चीज़ें रोक दी गई, तो आपको लगता है कि लोग उसको मानेंगे या फिर ये बंद कर दिया जाएगा? रीवा जैसे शहर के लोग इतना जल्दी सुधर जाएँ तो असंभव है, कई कड़ाई है, प्रशासन लूज हो जाती है, ऑटोमेटिक प्रशासन लूज हो जाता है हर व्यवस्था में, चाहे रोड हो चाहे नाली हो चाहे जाम हो चाहे अतिक्रमण हो, कोई भी प्रशासन या कुछ दिवस सुस्त पड़ जाती है। पहले तो दिखाई देगी लाइट में। हाँ। इसके बाद ख़त्म हो जाएगी। मतलब कि लोगों की भी गलती है, मतलब एक टाइम फ्रेम के बाद लोग उस चीज़ को नहीं मानते हैं। और अगर हेलमेट नहीं है आपके पास, सर आपके पास हेलमेट है? हेलमेट नहीं है जिनके पास, उनको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। कुछ जगह कल ये शिकायतें आई थी कि पेट्रोल पंप के बाहर हेलमेट रखा था और लोगों को बोल रहे थे कि वहाँ से हेलमेट लेके आइए फिर पेट्रोल लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर पूरी सख्ती है, अगर आपके पास हेलमेट नहीं है तो आपको यहाँ पेट्रोल नहीं मिलेगा। और ये अच्छी चीज़ है क्योंकि बदलाव की शुरुआत खुद से शुरू करें, और जो स्थिति है अब तक वो यही है कि प्रशासन कितने दिन चेकिंग लगाता है और किस तरह की चीज़ें करता है ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन लोगों को ये समझना होगा। यहाँ पर पेट्रोल पंप के कर्मचारी हमारे साथ हैं। बड़ी स्ट्रेंथ आ चुकी कल से, बहुत लोग आए होंगे जो हेलमेट के साथ नहीं थे। जी जी हाँ, बराबर। कितने लोग अप्रोक्स मान लीजिए? समथिंग मान लीजिए आपके 100 में 75 या कि 75 बिना हेलमेट के हैं।
अच्छा, कल और आज की स्थिति? आज की स्थिति वही बनी हुई है सर। अच्छा, वही स्थिति? वही है, वही है। मतलब अभी उतना सुधार नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा, यहीं लोग अल्दी बल्दी कर रहे हैं। अच्छा जी हाँ, यहीं इसके पेट्रोल पंप के बाहर उसका सर से उसके सर से निकाल के ये कर रहे हैं। मतलब अभी जागरूकता तो नहीं है फिर ऐसे? नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ समझ में इनके लोगों के आ ही रहा है। जिस गंभीरता के साथ वो फैसला लिया गया, देखिए कितना स्पष्ट रूप से उन्होंने बताया कि यहीं पे बदल रहे हैं, इसके बाहर बदल रहे हैं, कहीं थोड़ा दूर जाके बदल रहे हैं, और अभी भी उतनी गंभीरता नहीं समझ में आ रही। मतलब ये डर सिर्फ ये है कि पुलिस का खौफ है, पुलिस जांच कर रही है, तमाम चेकिंग लगा रही है, इसलिए अभी ये डर है। अगर ये धीरे धीरे ढिलाई होगी तो फिर से परिस्थितियाँ वैसी ही हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।